हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तो क्लास 10th दा चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी ट्रायंगल मैथ्स दा। कल आप पढ़िया सी ट्रायंगल हुंदा की है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़िया सी है। फिर असी पढ़िया सीगा एल्टीट्यूड की हुंदा है, मीडियन की हुंदा है, एंगल बायसेक्टर की हुंदा है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर की हुंदा है। फिर उस तो बाद असी पढ़िया सी ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर ते एक सेंटरॉयड। होप तो असी उन्हों रिवाइज किया होगा। हुण आपां नेक्स्ट टॉपिक करन जा रहे हैं, तो उस तो पहला पर टर्म जी है एक पढ़ी हुई है छोटी क्लास विच, तुसी 9th क्लास विच ही पढ़ी सी, कॉनग्रेंट फिगर्स। पहला पर वो डिस्कस करते हैं वो की होती है। सो कॉनग्रेंट फिगर की होती ने वो फिगर्स जिन्हों का साइज और शेप दोनों की होन सेम। तो मैं कहूँगा टू पॉलीगन्स, ठीक है। सो दो फिगर्स नू कॉनग्रेंट फिगर कदों कहेंगे, जो उन्हों की साइज और शेप की होगी सेम होगी। सपोज मैं एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, इनकी साइड जड़िया ने ए बी सी डी, इन सारे एंगल 90 डिग्री, इनकी साइड सपोज 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर है, ए भी 4 सेंटीमीटर है। एक मैं स्क्वायर बनाया है पी क्यू आर एस, इन भी सारे एंगल 90 डिग्री ने और सारी साइड 4 सेंटीमीटर ही ने, तो यह दो फिगर्स की हो गया कॉनग्रेंट फिगर हो गया। चाहे देखने की लग रहा है कि सीधी पई है, थोड़ी टेढ़ी पई है, एक्चुअली तुम की करोगे इन घुमा के बिल्कुल इन उत्ते रख के देखोगे, बिल्कुल एक दूजे उत्ते सुपर इंपोज कर जाएगियाँ, तो वह दो फिगर्स की हो गया कॉनग्रेंट फिगर्स। सपोज एक ट्राइंगल बनाने, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल बनाया मैं कि यह कॉनग्रेंट है। अपन कि चेक करांगे, अपन फिगर चकांगे, घुमा के उपर लगा के देख लेंगे, अगर बिल्कुल सुपर इंपोज कर गई तो इसका मतलब वो फिगर की है कॉनग्रेंट है। सो कॉनग्रेंट फिगर लिए की होना चाहिए है, थोड़े जोड़े सारे एंगल्स ने इक्वल होने चाहिए है, तो सारी साइड्स ही होनी चाहिए इक्वल, क्योंकि देखो इनू जो आप घुमावे किसी भी तरीके घुमा सकते हैं, बट जो सुपर इंपोज करना है वो उस तरीके करना है ताकि एक दूजे के बिल्कुल उपर चढ़ जाए। मतलब सपोज अगर 30 डिग्री है तो इतों भी मैं 30 डिग्री वाला एंगल ही इन उत्ते जाके रखूँगा, तो वो अपन पता लगेगा कॉनग्रेंट है कि नहीं। सो कॉनग्रेंट फिगर की होंगे ने जिन्हों के बच्चे सारे एंगल्स तो सारी साइड्स की होन इक्वल होन, क्योंकि इन्हों की शेप तो सेम हैगी है, भावें थोड़ी जी ए स्ट्रेट पई है, थोड़ी जी टेढ़ी पई है, बट जो मैं चक्के इन उत्ते रखूँगा तो तुम देखोगे एक दूजे को सुपर इंपोज कर जाएगियाँ। क्यों सुपर इंपोज कर रही ने, क्योंकि इन्हों की साइड भी सेम सी तो सारे एंगल भी सेम ने। तो जो भी कोई तो बोलूगा कॉनग्रेंट फिगर तो तुम कि चेक करोगे, सारे एंगल चेक करोगे जे इक्वल आ रहे हैं, या सारी साइड्स इक्वल आ रही ने, या दो साइड एक एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो उन्होंने कह दोगे कॉनग्रेंट फिगर। जो कि तुम 9th क्लास के पढ़ी हुई कॉनग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल तुम पढ़ी सी, आर एच एस कॉनग्रेंसी होंगी है, एस 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 कॉनग्रेंसी होंगी है, ए ए ए कॉनग्रेंसी होंगी है, एस ए एस कॉनग्रेंसी होंगी है, तो वो सारी कॉनग्रेंसी तुम पढ़ चुके हो, उनका मतलब भी तुम्हें पता सगा, एक बार आप रिवाइज कर रहे हैं। सो कॉनग्रेंट फिगर वो हूँ गया, दो फिगर्स नू कॉनग्रेंट कदों कहोगे जो उन्होंने बिल्कुल साइज भी सेम हो रहा है तो शेप भी सेम है, तो दो फिगर्स में असं की बोलते हैं कॉनग्रेंट फिगर्स। नैक्सट जो आप पढ़ना है वह है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर समझने तो पहले आप वर्ड सिमिलर का मतलब समझते हैं। सपोज तुम पढ़ाई करनी है, तुम एक टेबल टाइम टेबल बनाया अपना, की टाइम टेबल बनाया, सपोज तुम स्टडी करना चाहते हो, तुम एक टाइम टेबल अपना एक शड्यूल बना रहे हो, वो की कर रहे हो कि चलो मैं 1 घंटा मैथ्स पढ़ूंगा, ठीक है, और 1 घंटा चलो तुम साइंस पढ़ लोगे, थोड़ी देर बाद तुम रेस्ट करोगे, रेस्ट तो बाद चलो तुम एक बार की कर लोगे रिवाइज करोगे सारी चीज़ों, तो एक तुम टेस्ट दे दोगे। सपोज तुम किसी भी चीज़ को पढ़ना है, तुहाडा मैथ और साइंस वीक है, तुम अपना स्टडी प्लैन ए वाला बनाया, तुहाडे टीचर ने भी एक स्टडी प्लैन बना के रखा सी, वो किस तरीके का बनाया सीगा, उन्हें सपोज तुहाडे लिए स्टडी प्लैन बना के रखा सीगा, 1 घंटा तुम मैथ्स करना क्योंकि तुहाडा मैथ वीक है, 1 घंटा तुम साइंस करनी है क्योंकि तुहाडी साइंस वीक है, ठीक है, नाल उन्हें कहा कि चलो तुसी नाल बुक रीड भी करो क्योंकि तुहाडी थोड़ी जी इंग्लिश भी वीक है, और टीचर नूं लगा तुहानूं नहीं पता सीगा, टीचर ने एनालाइज करके तुहाडा टाइम शेड्यूल बनाया, रेस्ट करो ते रेगुलर टेस्ट भी दो, ठीक है, तो टीचर ने तुहाडा टाइम शेड्यूल वो बनाया, तुसी टाइम शेड्यूल अपना आ बनाया, ठीक है, तुसी इस स्टूडेंट का टाइम शेड्यूल है, उन्होंने लगा कि चलो मेरा जरा वीक सीगा सब्जेक्ट वो मैथ्स और साइंस सीगा, तो उन्हें कहा कि चलो मैं जो अपनी स्टडी करनी है उन्हें 1 घंटा मैथ नू देना,
एक घंटा साइंस नूं देना, थोड़ी जी रेस्ट करन तो बाद रिवाइज करके टेस्ट जरूर देने है, ठीक है। तो तुहाडी टीचर ने भी यही प्लान बनाया, एक घंटा मैथ्स, एक घंटा साइंस, नाल एक एक्सट्रा टर्म ला दी बुक रीडिंग, रेस्ट ते टेस्ट। तुहाडी टीचर ने तुहानूं प्लान दे दिया, तुसीं की बोलोगे कि मेरा प्लान और तुहाडा प्लान की है? सिमिलर जिहा ही है, बस फर्क की है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪਲਾਨ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ 'ਚ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੇਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਆਡੀਲੇਟਰਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਜ਼ ਮੈਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ। ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼। ਬਟ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਸੇਮ ਸ਼ੇਪ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਗਰ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੇਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸੇਮ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਲ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਆਰ ਸਿਮਿਲਰ, ਬਟ ਆਲ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਬੀ ਕੋਨਗਰੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਨਗਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਔਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲਰ ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੋ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਲਬ ਲਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਲਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਬਲਬ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਏ ਡੈਸ਼, ਬੀ ਡੈਸ਼, ਸੀ ਡੈਸ਼ ਔਰ ਡੀ ਡੈਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਲਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਲਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੀਟ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੇਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਸ਼ੈਡੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਮਿਲਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਏ ਬੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪਣਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲੈਂਥ ਵੀ ਨਾਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏ ਡੈਸ਼ ਡੀ ਨਾਪਣਾ ਔਰ ਏ ਡੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪਣਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀ ਸੀ ਲੈਂਥ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਡੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਨਾਪ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਲੈਂਥ ਔਰ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਪੋਗੇ? ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ ਡੈਸ਼ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਲੈਂਥ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਏ ਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣਾ ਬੀ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ
फिर तुसी लेना रेशो डी डैश ए डैश दी रेशो ए डी दे नाल, ते एदा ही तुसी डी सी डैश दी रेशो ले लेना डी डैश डी सी डैश दी रेशो डी सी दे नाल। तुसी सारी लेंथ नाप चुके हो, सारी लेंथ नापन तो बाद तुसी रेशोज ले लेना, ठीक है। रेशोज लेने तो बाद तुहानू की ऑब्जर्व होगा कि ये सारी रेशोज की आ गया सेम आ गया, मतलब अगर एक्स आएगी तो आ भी एक्स ही आएगी, आ भी एक्स ही आएगी, आ भी एक्स ही आएगी। हाँ माड़ा मोटा फर्क हो सकता थोड़े को एरर आया हो नापन वेले या कैलकुलेशन मिसटेक, बट अप्रोक्सीमेटली सारिया सेम ही आ गया, ठीक है। असं की किया एक बल्ब लिता, बल्ब के कोल शीट रखी, शीट का परछावा देखा, अगर है रैक्टेंगुलर है तो शीट का परछावा भी की होगा रैक्टेंगुलर होगा, क्योंकि इन्हों की शेप सेम है, इन्हों मतलब वो फिगर की है सिमिलर फिगर ने। फिर तुम अपनी फ्रेंड के हेल्प के लेंथ सारिया नाप लिया, इनकी लेंथ भी नाप ली। मैं तुम्हें बोलिया रेशोज लैके देखो, तुसी जो रेशोज कटोगे सारिया की आनगियाँ इक्वल, एक चीज़ तय करना। दूसरी चीज़ तुम सारे एंगल नापना, ठीक है, डिग्री और जो थोड़े को डी होंगी है उनकी हेल्प न तुम सारे एंगल जो नापोगे तो की दिखूगा कि जोड़ा एंगल ए है वह एंगल ए डैश के इक्वलूगा, एंगल बी जड़ा है वह एंगल बी डैश के इक्वलूगा, एंगल सी जड़ा है वह एंगल सी डैश के इक्वलूगा, तो एंगल डी जड़ा है वह एंगल डी डैश के इक्वलूगा। मतलब तुहाडा जिहड़ा आ वाला एंगल है इस एंगल दे इक्वल आएगा, सपोज कर लैंदे आ, क्योंकि अगर रैक्टेंगल है तो पक्की गल 90 डिग्री होएगा, तो आ भी 90 डिग्री आएगा, अगर यह 90 है तो आ भी 90 डिग्री आऊगा, यह 90 है तो आ भी 90 आऊगा, आ 90 है तो यह भी 90 आऊगा। तो इहदा मतलब उन्होंने एंगल्स इक्वल होंगे तो साइड्स की होंगे रेशो के विच। तो इतों इस एक्टिविटी तो आपां एक नवी प्रॉपर्टी पता लग रही है कि दो फिगर्स नू सिमिलर कदों कहांगे। पहली कंडीशन तो है कि उन्हां दी जिहड़ी शेप है वह सेम होवे, दूसरी कंडीशन असी पढ़ी है कि उन्हां दे एंगल्स की होन इक्वल, ते तीसरी कंडीशन पढ़ी है कि उन्हां दी साइड्स की होन परपोर्शन। सो दो फिगर्स नू तुसीं सिमिलर कदों कहोगे, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन परपोर्शन, तो फिगर की होगी सिमिलर फिगर। क्लीयर, सिमिलर फिगर का मतलब की है, वह फिगर जिंदे कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होन, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो भी इक्वल आवे, प्लस सब तो मेन चीज़ है कि उन्होंने जिहड़ी शेप है वह की होवे सेम, ठीक है। सो यह होया सिमिलर फिगर्स। सो एक्टिविटी तो अपन पता लगा सिमिलर फिगर की होंदिया ने, दो पॉलीगन आर सेट टू बी सिमिलर इफ नंबर वन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन एंड नंबर टू देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल। तो मान लो कि अपन दो फिगर्स दितिया ने, सन चेक कर रहा है कि यह सिमिलर फिगर हैगी है कि नहीं, तो सब तो पहला मैं चेक करूँगा कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, फिर दूसरी कंडीशन चेक करूँगा कि साइड्स प्रपोर्शन आ रही हैं कि नहीं। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो गया तो मैं कह दूंगा कि ये दोनों फिगर की ने सिमिलर फिगर्स ने। और सिमिलरली असं सिंबल यूज करते हैं, जिमें कॉनग्रेंटली तुसी सिमिलर यूज फिगर सिंबल यूज करते सी आ वाला, यह सिंबल होता सी कॉनग्रेंट फिगर्स वास्ते, इसी तरीके नाल सिमिलर फिगर वास्ते आपां सिंबल वो यूज करते हैं, ठीक है। हुण आपां नूं चेक की करना है दो फिगर सिमिलर है कि नहीं, तो सब तो पहला मैं एंगल चेक कर रहा हूँ। एंगल ए एंगल पी दे इक्वल है, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू दे इक्वल है, मतलब ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल ए दोनों भी इक्वल है, इसी तरीके ने एंगल डी और एंगल एस भी इक्वल है, मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। तो पहली कंडीशन आप चेक की है कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ रहे हैं, दूसरी कंडीशन की चेक करनी है रेशोज। तो सब तो पहला मैं पी क्यू रेशो ए बी चकना, देखो पी क्यू कितनी है 3.0 और ए बी कितना है 1.5, कटिंग की रेशो कितनी आ गई 2, ठीक है, मतलब इस साइड की रेशो की आई है 2। सेम तरीके आप आर क्यू साइड की रेशो चकते हाँ बी सी दे नाल, देखो आर क्यू कितना है 5.0 और ए कितना है 2.5, कटिंग की ए भी कितना आ गया 2। ऐसी तरीके दे नाल अपा रेशो चकते हैं एस आर रेशो डी सी, एस आर रेशो डी सी, एस आर देखो 4.8 है और डी सी है अपने को 2.4, ए भी रेशो कितनी आ गई 2 आ गई। ऐसी तरीके नाल अपा एस पी रेशो डी ए देखी, एस पी रेशो डी ए अपने को एस पी कितना है 4.2 और डी ए कितना है अपने को 2.1, अगेन इनकी रेशो चेक की ये भी की आ गई 2, ठीक है। सो इना मतलब सारी साइड्स की रेशो की आ रही है इक्वल आ रही है,
इहदा मतलब सारी साइड्स की ने प्रपोर्शन च ने, मतलब सैकेंड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई और इहदा मतलब है दो फिगर्स की ने सिमिलर फिगर्स ने। वैसे भी अपन पता सी इहना दोनों की शेप सेम है, तो इट मीनस ये दोनों फिगर्स की सीगियाँ सिमिलर सीगियाँ, बट असी मैथमैटिकली भी चेक कर लिया कि इन्हों के कोरसपोंडिंग एंगल भी इक्वल आ रहे थे, तो दूसरी गल साइड्स की आ रही थी प्रपोर्शन ही आ रही थी, तो इस करके दोनों फिगर्स की ने सिमिलर। तो मैं किस तरीके ना लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी सी डी इज सिमिलर टू पी क्यू आर एस। हाँ देखो लिखने का तरीका है, क्योंकि अपने को जरा एंगल ए से एंगल पी दे कोल सी, तो मैं लिखा है ए पहला लिखा है एंगल पी जरा है उनके बिल्कुल सामने लिखा है, अगर बी लिख रहे हैं तो क्यू दे कोल, सी लिख रहे हैं वो आर दे कोल, डी लिख रहे हैं तो एस दे कोल। फिर तुसी रेशो देखो ए बी रेशो पी क्यू चको, देखो ए बी रेशो पी क्यू चक दे वो किन्ने आ रही थी 1/2 आएगी, क्योंकि अगर थोड़ी पी क्यू रेशो ए बी 2 है तो इनका रेसीप्रोकल क्या आएगा 1/2। फिर तुसी बी सी रेशो क्यू आर चकोगे वो 1/2, सी डी रेशो आर एस चकोगे वो भी 1/2, फिर ए सी रेशो पी एस चकोगे वो भी क्या आ रही 1/2। तो इस तरीके आप सिंबोलिक रिप्रजेंटेशन के सिमिलर दी आ हैगी है, सिंबोलिक रिप्रजेंटेशन लिखना होता ही है जिदा जिदा अपने को चीज़ा इक्वल आ रही सी, आप लिखा ए पी का इक्वल से, इस करके अगर मैं स्टार्टिंग ए लिख रहा है तो इतने भी स्टार्टिंग पी ही लिखना है। फिर असं क्या जरा बी है वह क्यू का इक्वल है, अगर सैकेंड टाइम तो बी लिख रहा है तो सैकेंड प्लेस से क्यू ही लिखना है, सी लिख रहे हो थर्ड पोजिशन पर अगर वो आर का इक्वल है तो थर्ड पोजिशन पर आर लिखो, लास्ट डी सीगा अगर वो एस दे कोल है तो लास्ट पोजीशन ते एस लिखना है। कई बंदे की कर देने ऐसा लिख देंगे तो उनका रिजल्ट का मतलब हो गया कि ए पी दे कोल है बट बी जरा है क्यू दे कोल है, तो जरा डी है वो आर दे कोल है। देखो अपना डी और आर इक्वल है, आर है अपने कोल डी 85 डिग्री और आर 70 डिग्री, सो यह रिप्रजेंटेशन गलत है। ठीक है, थोड़ी रिप्रजेंटेशन आ करैक्ट है, क्योंकि तुसी जिस तरीके ना लिखे है वो ऑर्डर का मतलब की बन रहा है कि जड़ा एंगल ए है एंगल पी दे कोल है, एंगल बी एंगल क्यू दे कोल है, एंगल सी एंगल आर दे कोल है और एंगल डी जड़ा एंगल एस दे कोल है। तो तुहानू रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए है कि जे फिगर सिमिलर है तो उन्होंने किदा रिप्रजेंट करना है। जे आप इदा लिख रहे हैं इहदा मतलब सी ए पी दे कोल जो कि ट्रू सीगा, बी क्यू दे कोल एवें ट्रू सी बट डी आर दे कोल जबकि वह नहीं है। ठीक है, सो जदों भी तुहानू कोई पुछूगा सिमिलर फिगर तो आप दो चीज़ा चैक करेंगे तो उन्होंने रिप्रजेंट उस तरीके करेंगे विच सिंबल आप वाले यूज करेंगे सिमिलर फिगर वास्ते। क्लास 9th दे विच आप एक थ्योरम पढ़ी सी, वो थ्योरम की सी टू ट्राइंगल्स विद सेम बेस लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स लाइंस हैव सेम एरिया। इट मीनस अगर आप दो ट्राइंगल बोल रहे हैं, सपोज एक ट्राइंगल बनाया है ए बी सी और ऐसी बी सी नू ही बेस मान के एक ट्राइंगल होर बनाया है पी क्यू आर, सॉरी एक ट्राइंगल बनाया है पी बी सी, आप दो ट्राइंगल बनाए ने, एक बनाया ए बी सी, बी सी ही बेस मान के एक ट्राइंगल होर बना लिता है बी पी सी। ए दो ट्राइंगल्स अगर तुम्हें एरिया कढ़ने बोलिया है और उन्हें बोलिया कि आ लाइन सपोज है एल लाइन है और एक एम लाइन है, ये दोनों पैरल भी ने, मतलब यह ट्राइंगल इस तरीके नाल है दो पैरल लाइनस के विचकार आ रहे हैं तो दोनों का बेस की है ट्राइंगल का सेम, तो एरिया अगर तुसी कर रहे हो ए बी सी का तो फिर एरिया जोड़ा है पी बी सी का वो क्या आऊगा इक्वल। ठीक है, तो यही थ्योरम आप पढ़ी सी दो ट्राइंगल, ए देखो दो ट्राइंगल बनाए ने, दोनों का बेस की सी सेम बी सी सीगा और यह दोनों सेम पैरल दो पैरल लाइनस के विचकार लाई कर रहे हैं, दोनों लाइनस कि ने आपस में पैरल। देखो आप कह रहे हैं एल इज़ पैरल टू एम, तो अपने को जी बी सी लाइन है वह की है सेम जो कि काम कर रही है, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी देखा उनके लिए भी बेस का काम कर रही है और अगर पी बी सी देखा उनके लिए भी जी बी सी लाइन है वह बेस का काम कर रही है और दो पैरल लाइनस के बीच कर रही है दो ट्राइंगल, तो इहदा मतलब इन्हों दो ट्राइंगल का एरिया भी होगा सेम। यह थ्योरम जी है तुसी 9th चैप्टर के विच पढ़ी सी। अच्छा जे तुहानू सिंपल पूछे कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल कट के दिखाओ, अगर कोई बोले फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सपोज है ट्राइंगल है अपने कोल ए बी सी, सपोज है ट्राइंगल है तो तुहानू एक एल्टीट्यूड पता होना चाहिए, जिहड़ा एल्टीट्यूड है सपोज उनकी लेंथ है एच, जिंदे उत्ते एल्टीट्यूड गिर रहा उन्होंने बोलते हैं बेस, डिनोट करूँगे बी दे नाल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 1/2
बेस इनटू हाइट, ठीक है। जो भी तुहानू ट्राइंगल दे केस विच एरिया कढ़न लई पुछूगे तो तुहानू एक एल्टीट्यूड दी लेंथ पता होनी चाहीदी है, और जिस लाइन दे उत्ते एल्टीट्यूड गिर रहा है उहनू बोलदे हो बेस। तो तुसीं की करना है, बेस नू इस एल्टीट्यूड दी हाइट लेंथ दे नाल मल्टीप्लाई करके अगो हाफ नाल मल्टीप्लाई कर देना है, तो तुहाडे कोल की निकल आऊगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होंदा है, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस की है जिंदे उत्ते वो एल्टीट्यूड गिर रही है, हाइट की है उस एल्टीट्यूड दी लेंथ। तो यह होंदा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एक रिजल्ट असी पढ़िया कि दो ट्राइंगल जिन्हों का बेस की होवे सेम, दो पैरेलल लाइन्स दे विचकार लाई कर रहे होवे, तो उन्हों का एरिया की होगा इक्वल। तो यह तुसी 9th क्लास विच पढ़िया, एक आपां हुणे डिस्कस कीता एरिया ऑफ ट्राइंगल। हुण आपां इस चैप्टर की सब तो पहली थ्योरम करन जा रहे हैं, जिंदा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या इनका सिंपल नाम है थ्योरम 6.1। सो पहली थ्योरम करन जा रहे हैं जिंदा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। ऑन दी स्टेटमेंट की है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस चीज़ का मतलब समझो की है, कहते सपोज एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम दे देने ए बी सी, ठीक है, एक ट्राइंगल है उनका नाम की दिता ए बी सी नाम दिता है। कहते आप इस साइड तो सपोज एक पॉइंट केड़ा है डी, डी पॉइंट तो आप एक लाइन ड्रॉ की है, वह लाइन किदा भी है कि इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। आप किया ए बी वाली लाइन तो आप एक डी पॉइंट तो एक लाइन ड्रॉ की है जो बी सी दे की है पैरेलल है, और कहते सपोज वो कट रही है ई पॉइंट पर, तो जिनी रेशो ए डी अपॉन डी बी जी निकलेगी उन्नी ही रेशो ए सी अपॉन ई सी की होगी। क्लीयर, थ्योरम की स्टेटमेंट जी है उनका मतलब की है, तुसी एक ट्राइंगल लो, ट्राइंगल दे विच किसी भी लाइन तो शुरू कर दो, एक पॉइंट तो दूसरी साइड दे बिल्कुल पैरल लाइन लै जाओ, अगर वो पॉइंट जिथे कट्टेगी तो यह रेशो इस रेशो दे और इन दोनों की रेशो की होगी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्राइंगल लें, ठीक है, अगर कोई बोलता है कि सपोज है ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है, आप हमेशा की करना है कोई भी एक लाइन सैगमेंट तो, सपोज मैं इस लाइन सैगमेंट तो शुरू हो रहा, जिमें मैं उस लाइन सैगमेंट तो शुरू होया, सपोज इस पॉइंट तो शुरू होया एक डी पॉइंट तो, ठीक है, आप करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि दूसरी साइड पर की होवे पैरल होवे, दूसरी साइड पर पैरल होवे, तो जिनी रेशो बी डी अपॉन डी सी की होगी उन्नी ही रेशो ए ई अपॉन ई सी की होगी। इस केस जिनी ए डी अपॉन डी बी की रेशो होगी उन्नी ही रेशो ए ई अपॉन ई सी की होगी। यह चीज़ तुम चैक कर सकते हो एक एक्टिविटी करके, तुम शीट ले लेना वड्डी सारी, ठीक है, तुम ए डी लेंथ दे किसी भी पॉइंट तो तुम बिल्कुल पैरल लाइन लै जाना, तुसी आ लाइन सैगमेंट नाप लेना, आ भी नाप लेना, उनकी रेशो चकना, फिर यह दोनों की भी रेशो चकना, वो दोनों इक्वल आ गया। सो यही है साड़ी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो बोलती है एक ट्राइंगल दे विचे किसी भी साइड तो अगर तुसी एक पैरल लाइन बना रहे हो जो कि दूसरी साइड के पैरल है, तो जिस पॉइंट तो कट्टेगी तो जिहड़ी आ वाली रेशोज ने ए वाली रेशोज जिहड़ियां ने वो की आ गया इक्वल आ गया। हुण आपां इहदा प्रूफ करके देखदे हां। प्रूफ के विच आपां पहले गिवन लिखना पड़ेगा, तो गिवन की है आपां लेट कर लेने एक ट्राइंगल है ए बी सी जिंदे विच डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी एंड डी सी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। आपां नूं टू प्रूफ की करना है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। आपां नूं बोला कि क्या, देखो अ लाइन ड्रॉन पैरल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो आप एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरल है वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, टू इंटरसेक्ट द अदर साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन देयर साइड्स आर इन रेशियो, ठीक है। यही चीज़ आपां नूं प्रूफ करनी है, मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल ए बी सी लिता है जिंदे विच डी सी पैरल टू सॉरी डी ई जिहड़ी है उहनूं पैरल टू बी सी लिता है,
तो मैंने प्रूव की करना है कि ए डी रेशो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशो ई सी अवे। हुण इहनू प्रूव करन वास्ते आपां की करदे हां, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जिहड़ी है मैं इत्थे ओरेंज कलर में शो कर रहा, मैं अपने वल्लों एक हाइट ड्रॉ कीती है इस ट्राइंगल की एट पॉइंट, सपोज ए पॉइंट नूं नाम दे दिंदे एफ, और एक हाइट ड्रॉ कीती है सपोज जी, ठीक है, और मैं ए दो ट्राइंगल कंसीडर कीते हैं, ठीक है। अपा कंस्ट्रक्शन की कीती है, अपा ड्रॉ कीता है ई एफ परपेंडिकुलर टू पूरी सैगमेंट ही कह सकते हो ए बी, और एक अपा ड्रॉ कीता है डी जी विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड डी ते सी नू ज्वाइन कीता है ते बी ते ई नू ज्वाइन कीता है। क्यों कीता है वह भी तुहानू समझ आएगा प्रूफ जिदा जिदा चलेगा। सो सब तो पहला अपा कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इत्थे की कीती है असीं कीती कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डी जी परपेंडिकुलर टू ई सी एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, पहली कंस्ट्रक्शन है कीती है। सैकेंड की कीता है जॉइन डी सी एंड ई बी, जो कि तुहानू ऑरेंज कलर ना उत्थे कंस्ट्रक्शन दिख रही है। तो आपां कंस्ट्रक्शन की कीती है, एक परपेंडिकुलर डी जी बनाया है ए सी लाइन के उत्ते ते ई एफ बनाया है ए बी लाइन के उत्ते, ठीक है। हुण आपां कढ़दे आपां नूं एक थ्योरम जो कि मैं हुणे डिस्कस कीती सीगी नाइनथ क्लास दी, थ्योरम की सीगी टू ट्राइंगल्स विद द सेम बेस लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैव इक्वल एरिया। हुण देखो किदां लग रही है, आ ट्राइंगल देख रहे हो डी ई बी और आ ट्राइंगल देख रहे हो तुसी डी ई सी, इन्हां दोनों का बेस की है डी ई, और यह दोनों सेम पैरेलल्स दे विचकार लाई कर रही हैं, इन्हां मतलब इन्हां दोनों का एरिया की होगा इक्वल। तो मैं लिख रहा वा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई डी ई बी, वो किन्दे इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। रीजन की लिखांगे, अपने कोल रीजन है डी ई की सीगा कॉमन बेस, तो दूसरा अपा कहांगे डी ई लाइन पैरेलल सीगी बी सी लाइन दे। तो आपा लिखांगे थ्योरम लिखांगे टू ट्राइंगल्स विद सेम बेस लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, इनू लिखते हैं इक्वेशन नंबर वन। की किया आपा देखिया इतने कि जेड़ा ट्राइंगल लिता सी डी ई बी और एक डी ई सी, ए दोनों ट्राइंगल का कॉमन बेस कौन है डी ई, और यह दोनों सेम पैरेलल्स विचकार लाई कर रही है। सो इस ट्राइंगल का एरिया तो इस ट्राइंगल का एरिया की होगा सेम, आप नाइनथ क्लास में ही पढ़िया सी जो थ्योरम मैं हुणे तुहानू थोड़ी देर पहला भी रिवाइज कराई है। तो उनके अकॉर्डिंग सानू पता लग गया कि एरिया ऑफ डी ई बी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी की होगा इक्वल आऊगा। हुण आपां अगे प्रोसीड करते हैं, आपां की चकते हैं अगर मैं कढ़दा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कढ़दा ए डी ई आर ए डी, अपा एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़िया कि होंगे वन बाय टू बेस इनटू हाइट, तो इतने दो दो हाइट्स ने, एक बार ई एफ है और एक बार डी जी है। तो इहदा मतलब जे मैं डी जी नू एज अ हाइट मनूंगा तो मेरे लिए बेस का काम कौन करेगा ए ई, तो इहदा मतलब इहदा एरिया क्या आएगा वन बाय टू, बेस किन्ना होगा ए ई, अगर तुसी हाइट किन्नी लै रहे हो डी जी, या फिर अगर तुसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए डी ई ही कढ़ना है अगर तुसी हाइट लै रहे हो ई एफ, तो तुहाडे लई बेस का काम कौन करूगा ए डी, ठीक है। आपां की कीता आ वाले ट्राइंगल डी ई ए दा एरिया कढ़न की कोशिश कर रहे सीगे, सानू इत्थे दो दो हाइट दिख रही है, एक हाइट दिख रही है ई एफ और एक हाइट दिख रही है डी जी। जे मैं डी जी नू हाइट बन के चलना तो मेरे लिए बेस कौन होगा ए ई, तो फॉर्मूला क्या होंगे वन बाय टू बेस इनटू हाइट। जे तुसी ई एफ नू हाइट बन के चल रहे हो तो बेस कौन होएगा ए डी, तो फॉर्मूला क्या होएगा वन बाय टू बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसी तरीके नाल वैसे आप एरिया कट के देखिए डी ई सी का की आऊगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी केड़ा वाला ट्राइंगल देखो आ रहा डी ई सी, ठीक है। डी ई सी ट्राइंगल लिए भी फॉर्मूला क्या होगा वन बाई टू बेस इन टू हाइट, हाइट का काम कौन कर रहा है ए ई, एना मतलब बेस का काम कौन करूगा डी बी, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला देखो क्या आएगा वन बाय टू, बेस किन्ना है अपने को डी बी और हाइट किन्नी है अपने को ई एफ,
क्योंकि असी पढ़िया होया है कि हाइट जिहड़ी है ट्राइंगल दी, हो सकता है ट्राइंगल दे अंदर होवे, हो सकता है ट्राइंगल दे बाहर होवे। तो जदों मैं ए वाला ट्राइंगल देखिया, देखो डी बी ई ट्राइंगल देख रहा वा, ओदन दी हाइट दा काम कौन कर रहा है, ए ई, जो कि ट्राइंगल दे बाहर है, तो उनके लिए बेस दा काम कौन करूंगा, डी बी। तो उनके लिए फॉर्मूला की बन गया 1/2 बेस इंटू हाइट। इसी तरीके नाल जे मैं करदा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई, सॉरी डी ई बी है, डी ई सी करदा, तो उनके लिए फॉर्मूला की आता 1/2। देखो केड़ा डी ई सी आ रहा है, डी ई सी आ वाला ट्राइंगल डी ई सी, जो कि येलो कलर नाल शो कर रहा है, आ वाला डी ई सी। इनके लिए भी जब मैं एरिया कढ़ना होगा तो केड़ा फॉर्मूला लगेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट का काम कौन करेगा, डी जी, तो बेस का काम कौन करेगा, ई सी। तो इतने आ गया डी जी इंटू ई सी। ठीक है, आप करते हैं जी तो आ वाली सी ट्राइंगल की रेशो एंड चक लें, ठीक है, या फिर तुम चक सकते हो एन कॉमन, देखो की है आप दोनों की रेशो चकते हैं, मतलब मैं लिता एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो क्या आएगा 1/2 बेस किन्ना अपने को ए ई, हाइट किनी सी डी जी, सेम तरीके ना इतने 1/2 बेस इंटू आ डी जी नाल डी जी गया, इन्दे नाल ए गया, तो साढ़े को वैल्यू किनी आ गई ए ई अपॉन ई सी। एन लिख देना इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 आप लिखी है, एन लिखा इक्वेशन नंबर 2। सेम तरीके दे नाल आपां ए दो साइड एरियाज दी भी रेशो चकदे आ, तो देखो जदों मैं चकूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, तो देखो किन्ना आएगा, ए है 1/2 ई एफ इंटू ए डी, सेम तरीके नाल ए भी 1/2 ई एफ इंटू डी बी, ई एफ नाल ई एफ गया, 1/2 नाल 1/2 गया, ए किन्ना आ गया अपने कोल ए डी अपॉन डी बी। ए लिख देना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आपां की कीता आ दोनों एरिया से रेशो लेती है और आ वाले दोनों एरिया से रेशो लेती है, तो अपने कोल क्या आ गया ई सी अपॉन ए ई अपॉन ई सी और ए आ गया ए डी अपॉन डी बी। इनू लिखा इक्वेशन नंबर 2, इनू लिखा इक्वेशन नंबर 3। हुण देखो उत्ते की है ए डी ई, इत्थे भी की है ए डी ई, ठीक है, मतलब ये दोनों एरिया से इक्वल ही होंगे, भावें असी मेजरमेंट जो मर्जी लईए। सेम तरीके दे नाल असी इक्वेशन 1 दे नाल की क्या सीगा कि जो साडे कोल डी ई बी है उनका एरिया क्या आएगा डी ई सी दे इक्वल, मतलब आ भी दोनों इक्वल ने, मतलब एक्चुअली जो चीज़ आ रिप्रजेंट कर रही है उही चीज़ आ रिप्रजेंट कर रही है, समझ रहे इस चीज़ को। आप दोबारा लिखते हैं, देखो आप करते हैं यूजिंग 1 इन 2, आप इक्वेशन नंबर 1 जिहड़ा डी ई सी, आ देखो एरिया ऑफ डी ई सी उनकी जगह मैं की लिख सकता वा एरिया ऑफ डी ई बी, देखो उपर यही रहन दिता एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, डी ई सी की जगह आप लिख दिता डी ई बी, और वो किन्दे को आ रहा है ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, आप की क्या कि देखो एरिया ए डी ई सी थले की लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, बट सानू पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी किन्दे को है डी ई बी दे को है, तो डी ई सी की जगह आप की लिख दिता डी ई बी। ऑलसो सानू आ भी चीज़ पता है, ठीक है, इनू नाम दे देने इक्वेशन नंबर सपोज 4th। नाउ फ्रॉम 4 एंड 3 आप की किता, देखो आ चीज़ भी की है एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन डी ई बी, आ भी चीज़ की है एरिया ऑफ ए ई डी अपॉन डी ई बी, अगर है ना दोनों दी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी की होन गया इक्वल, सो इन्ना मतलब साडे कोल आ गया ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और सानू प्रूफ भी यही चीज़ करनी सी, सो साडे कोल रिजल्ट आ गया हैंस प्रूफ। क्लियर, आप थ्योरम जिहड़ी कीती है वह है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि बोलती है कि एक ट्राइंगल की एक साइड तो एक लाइन लेके जाओ जो कि दूसरी साइड दे पैरेलल होवे, तो जिहड़ी ए डी रेशो डी बी आएगी वो ए ई रेशो ई सी दे इक्वल आएगी। वो आपां प्रूफ किया है, किस तरीके ना प्रूफ किया, पहला आपां रिजल्ट लगाया कि जो मैं ट्राइंगल लिखदा वा डी ई बी और एक ट्राइंगल लिखदा वा डी ई सी जो कि आपां कंस्ट्रक्ट करके बनाए सीगे, दोनों का बेस की है सेम डी ई और दोनों पैरेलल लाइन्स दे विचकार है तो उन्हां दा एरिया की होगा इक्वल।
फिर मैं ए डी ई का एरिया कढ़न लिए एक बार परपेंडिकुलर जो कि कंस्ट्रक्ट किया यूज करके तो बेस ए यूज करके एरिया कढ़िया, फिर एक बार ऐसी ट्राइंगल का एरिया डी जी एज अ हाईपोटन्यूज यूज करके और ए ई नू बेस मान के किया, फिर उस तो बाद अपना ट्राइंगल डी ई बी का वैसे एरिया कढ़िया जो कि आना सी 1/2 बेस इंटू हाइट हाइट ए ई तो बेस डी बी, इदा ही इस ट्राइंगल ही एरिया कढ़िया बेस अपने को ई सी ते हाइट की सी डी जी, फिर आप रेशियो सकिया, फिर आप की किया जी डी ई सी सी उनकी जगह आप लिख दिता एरिया ऑफ डी ई बी, तो अगर आ दोनों चीज़ा इक्वल ने तो मतलब आ दोनों चीज़ा भी की होंगे इक्वल तो साढ़े को प्रूव हो गया कि ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी। सो स्टूडेंट्स ये आप की अज थ्योरम इस चैप्टर की पहली थ्योरम है थ्योरम 6.1, तो इन्हें एक बार रिवाइज जरूर करके देखना एक बार स्टेटमेंट का मतलब और स्टेटमेंट एग्जैक्ट भी तुम्हें पता होनी चाहिए है और इनका प्रूफ भी तुम एक बार करके जरूर देखना। सो अज का टॉपिक आप इतें ही खत्म करते हैं, धन्यवाद।